हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा चल रही है स्टैम्प बॉटनी। बेटा बॉटनी चल रही है, बॉटनी की आपको संपूर्ण नॉलेज इस वीडियो में दूंगा और जो टॉपिक्स हैं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़, इसकी TS और एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना के बारे में भी इस वीडियो में बेटा जानेंगे हम कि एक बीजपत्री होते क्या हैं और जानेंगे हम कि एक दो बीजपत्री होते हैं क्या। तो बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेटे बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, देखिए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 का ये लास्ट वीडियो है बेटा। यूनिट नंबर 2 मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ, यूनिट नंबर 2 से संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए क्लास 11 एग्रीकल्चर है बेटा, देखिए आपका क्लास है फर्स्ट ईयर AG, सब्जेक्ट है बेटा हमारा बॉटनी। क्या है? बॉटनी। और मैं यूनिट की बात करूँ तो देखिए बेटे यूनिट चल रही है हमारी 2, यूनिट 2। अब बेटा यूनिट 2 से हमने पढ़ क्या क्या लिया वो समझिए। देखिए फर्स्ट नंबर पे बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बेटा यही पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इस टॉपिक को बेटा हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ लिया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड हमने पढ़ा था बेटा इसमें जंतु कोशिका तथा वनस्पति कोशिका को बोलते हैं बेटा पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर हमने बेटा यूनिट 2 में ये भी पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक्स का बात करूं तो तीसरा टॉपिक्स हमने पढ़ा बेटा गोल्जी बॉडी, यानी हिंदी की बात करें तो गोल्जी काय को बेटा हमने यूनिट नंबर 2 में कंप्लीट पढ़ लिया। चौथा टॉपिक से हम बात कर रहे हैं, चौथा टॉपिक से क्रोमोसोम को अगर हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा बेटा गुणसूत्र। हमने गुणसूत्र का विद डायग्राम के साथ भी अध्ययन इसका कर लिया। पांचवे टॉपिक्स की बात करें तो हमने पढ़ा इसमें DNA, यानी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, DNA की संरचना, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। सिक्स टॉपिक्स की बात करें तो बेटा हमने इसमें पढ़ा DNA तथा RNA में अंतर, ये भी टॉपिक हमने कवर कर लिया। सातवें टॉपिक्स की बात करें तो हमने इसमें पढ़ा जड़ तथा तना में अंतर। क्या पढ़ा? जड़ तथा तना में अंतर, ये भी बेटा हमने टॉपिक्स कवर कर लिया। आठवें टॉपिक्स की बात करें तो आठवां टॉपिक से हमने पढ़ा जीव द्रव के भौतिक गुण। क्या पढ़ा? जीव द्रव के भौतिक गुण, यानी कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इन प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी जीव द्रव के भौतिक गुण। और बेटा नवे टॉपिक्स की बात करें तो नवा टॉपिक्स हमने पढ़ा कोशिका विभाजन। क्या पढ़ा? कोशिका विभाजन के अंतर्गत बेटा हमने पढ़ा समसूत्री विभाजन को बेटा हमने विद डायग्राम के साथ पढ़ा। इसके बाद हमने समसूत्री विभाजन का महत्व भी पढ़ा। इसके बाद देखिए दसवां टॉपिक की बात करूं तो देखिए दसवां टॉपिक्स अब जो है इस वीडियो का वो है एक बीजपत्री त
तथा दो बीजपत्री, एक तो आप तना ले लो, और 11वें नंबर पे टॉपिक होगा एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़। बेटा इसकी हम टीएस को भी पढ़ेंगे और इसके अंतर को भी जानेंगे। तो बेटा ये देखिए 8 नंबर तक हम इसमें पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, और हमारे 9 नंबर तक, 8 नंबर तक नहीं बेटा, ये 9 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं कोश का विभाजन, समसूत्री विभाजन का महत्व। यहाँ तक हम यूनिट 2 में कवर कर चुके हैं। अब ये 2 टॉपिक्स बचे हैं, ये मैं इस वीडियो में आपके कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद यूनिट्स आपकी 2 कंप्लीट हो जाएगी। आपको बता दूं, देखिए हमारे चैनल पे बेटा इस वीडियो में देखिए यूनिट 2 आपकी आज कंप्लीट हो रही है। इसके बाद हमने यूनिट 3 भी कंप्लीट करा दी, 4 भी कंप्लीट करा दी और 5 भी कंप्लीट करा दी। अब हमारी बस्ती है बेटा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 आपका 15 अंक का आएगा, यानी टोटल हमने बात करें तो इस वीडियो तक जो आज की ये वीडियो है इसे लगा के बेटा हमने 35 नंबर का कवर कर लिया, यूनिट 1 बची है। ठीक है, तो बेटा करते हैं आगे शुरुआत, चलते हैं हम एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री की तरफ। चलिए बेटे देखिए, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ को पढ़ने से पहले, या एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री तना को पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक बीजपत्री होता क्या है और दो बीजपत्री होते क्या हैं। एक बीजपत्री पौधे हम किने कहते हैं और दो बीजपत्री पौधे हम किने कहते हैं। तो बेटे समझिए, देखिए हेडिंग से हमारी देखिए एक बीजपत्री क्या है, एक बीजपत्री। तो इसमें आप क्लियर कर लीजिए कि एक बीजपत्री होता क्या है। तो समझिए आप, देखिए जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीजपत्री वाला होता है, यानी जिनके बीज में भ्रूण केवल कैसा होता है बेटा, एक बीजपत्री वाला होता है, उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो देखिए हो जाएगा आपका चावल, गेहूं, मक्का आदि। अब देखिए सेकंड है द्विबीजपत्री। अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें तो क्या इसकी डिफिनेशन होगी कि जिनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं, कितने दो बीजपत्र होते हैं, उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे मटर, चना, सेम आदि। तो देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की डिफिनेशन को हमने समझा। अब हम एक बीजपत्री जड़ तथा दो बीजपत्री जड़ की टीएस को समझेंगे। चलिए चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे अब चलते हैं टॉपिक्स की ओर। अगला हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक बीजपत्री जड़। क्या पढ़ेंगे बेटा, एक बीजपत्री जड़। एक बीजपत्री जड़ को इंग्लिश की बात करें तो हम कहते हैं मोनोकॉर्ड रूट, मोनोकॉर्ड रूट। इसकी बेटा हम टीएस पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बेटे आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक डायग्राम बेटा बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप इसे आराम से इस तरह से देखिए चित्र बना सकते हैं इसका। जैसे जैसे मैं चित्र को बनाऊं वैसे वैसे बेटे आप भी बनाते हुए चलना। ये देखिए आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, जब इसकी टीएस होगी तो आपको माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं थोड़ा सा डिजाइन इसे पहले ही इस प्रकार से दे दे रहा हूँ ताकि चित्र हमारा एक ही बार में बन जाए। इस प्रकार से आप अगर बनाओगे तो आपका चित्र बेटे एक ही बार में बन के तैयार हो जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। यहाँ से देखिए आप कड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाथ में आपके कड़ा होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बेटा बिल्कुल गोल होनी चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल गोल होनी चाहिए। तो जिस तरह से मैं बनाना है मुझे उस तरह से बेटा आप भी इसे बना सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आपको इसे डिजाइन देना है। ये देखिए एक बीजपत्री जड़ है बेटे। मेरे चैनल पे आपको
यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर की संपूर्ण तैयारी फिजिक्स मैथ और बॉटनी तीनों सब्जेक्टों की बेटा कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके भी रखिए। अगर बेटे आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस तरह से आपको इस डायग्राम को बेटा डिजाइन करना है, इस तरीके से कुछ पूरी जानकारी मैं इस आपको डायग्राम के माध्यम से दूंगा। जो भी आपको अगर वीडियो पसंद आती है बेटे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट बिल्कुल फ्री में निशुल्क देखिए मेरे चैनल से घर बैठे तैयारी कर सके। और आपको बता दूं देखिए स्क्रीन पे आपको मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देता होगा जो नंबर है 8650415957। आपको क्या करना है, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है, आपको अपने क्लास 11 एग्रीकल्चर के ग्रुप से जुड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे अपना नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको PDF नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेटे मेरे चैनल पे आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस क्लास 11 एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम तक कराया जाएगा, आपके जो मेन एग्ज़ाम होगा तब तक सिखाया जाएगा। देखिए कोर्स बहुत जल्दी आपका कंप्लीट करा दूंगा, इसके बाद हमारी रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर पढ़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बेटा डिजाइन करना है। ये देखिए डायग्राम बनके लगभग तैयार हो रहा है, आप आराम से देखिए इस चीज़ को, क्योंकि जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बेटा वैसे वैसे आप डायग्राम को बनाओगे तो बहुत जल्द आप बना के डायग्राम तैयार कर दोगे, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, डायग्राम जैसे ही बनके तैयार हो जाएगा तुरंत आपको बताऊंगा ये है क्या, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए कुछ इस तरह से आपको कुछ डिजाइन करना है। कुछ इस तरह से अब आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से आप थोड़ा छोटा और फिर थोड़ा छोटा, इस प्रकार से आप तैयार करेंगे जैसे कि मैं तैयार कर रहा हूं। डायग्राम पूरा कंप्लीट होते ही मैं आपको बताऊंगा, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि ये है क्या। डायग्राम जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं इसकी बेटा आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस प्रकार से बेटा इसमें आपको फ्लोएम भी दिखाना पड़ेगा, ये आपका फ्लोएम है, आपको बताऊंगा मैं बेटा ये क्या क्या है, आप किसी भी प्रकार की टेंशन हरगिज ना लें, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना आप, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ इस तरीके से आप बनाते चलोगे इस डायग्राम को, देखिए ये चीज़ है ये बिल्कुल गोल होनी चाहिए, बिल्कुल गोल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसे आराम से बना सकते हैं।
देखिए वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक करिए, वो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा बेटा, आपका हर एक फ्रेंड घर बैठे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है, कोई भी उसे चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ वो PDF नोट्स लेता है तो थोड़ा सा उसे पे करना पड़ सकता है। वीडियो बिल्कुल फ्री में है, निःशुल्क है, कोई भी खर्चा आपका नहीं आने वाला। इस तरीके से आप डायग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपको इसी डायग्राम का मैं क्लियर करके दिखाऊंगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरी बॉटनी मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट मिलेगी इस तरीके से। अब देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वरना ये सब आपको पूरा एक सा नजर आएगा। इस तरीके से इसे मैं मोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके, क्योंकि सब कुछ ये ब्लैक ही हो गया, क्योंकि इसमें बेटा आप कलर भी यूज कर सकते हैं, रेड कलर छोड़ के कोई सा भी कलर आप यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम में 2-3 कलर आप यूज कर सकते हैं रेड कलर को छोड़ के, और कोई सा भी आप कलर इसमें यूज कर सकते हैं बेटे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया। अब हम इसका नॉर्मल क्लेचर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है आपका, ये देखिए है आपका मूल रोम, हिंदी में कहते हैं मूल रोम कहते हैं इसे, मूल रोम। अगर इंग्लिश की बात करूं तो ये हो जाएगा रूट हेयर, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रूट हेयर। दूसरी बात करूं ये बेटा इसके रूट हेयर के जस्ट नीचे का पार्ट है ये हो जाएगा आपका मूलिय त्वचा। क्या होगा? मूलिय त्वचा। अगर हम मूलिय त्वचा को इंग्लिश में बात करें तो एपिबिल्बा, क्या पढ़ोगे? एपिबिल्मा, एपिबिल्मा मूल्य त्वचा हो गई। इसके बाद ये आपका देखिए कॉर्टेक्स है, क्या है? कॉर्टेक्स। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका बलकुट, क्या हो जाएगा? बलकुट। इसके बाद मैं बात करता हूं देखिए अंत्यस्थ त्वचा, इसकी बात करूं ये देखिए बाहरी लेयर है, इसकी बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा अंत्यस्थ त्वचा, अंत्यस्थ त्वचा। अंत्यस्थ त्वचा को अगर इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं बेटा एंडोडर्मिस, क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस। इसके बाद देखिए एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होगा आपका? परिरंभ होगा। यहाँ पे क्या होगा? परिरंभ, परिरंभ। और परिरंभ को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पेरिसाइकिल, क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल। इसके बाद देखिए ये सबसे बड़ा वाला है, जो ये सबसे मोटा आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, ये बेटा आपका कहलाएगा मेटाजाइलम, क्या है? मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम को हिंदी में मेटाजाइलम है। इसके बाद सबसे नीचे वाला ये कहलाएगा आपका प्रोटोजाइलम, क्या है? प्रोटोजाइलम। इसके बाद आपका बीच में देखिए ये बचा, तो यहाँ पे बेटा क्या है बीच में? ये पिथ है। पिथ की बात करें तो पिथ इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे मज्जा, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसे मज्जा, और मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पिथ। क्लियर? तो बेटा इतनी चीज़ें थी, अब इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अब इसके पॉइंट को समझिए। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसमें आपको भी लिखना पड़ेगा बेटा इसके बारे में, ये प्रैक्टिकल में भी आपको दिया जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी आपको मिल सकता है, तो इसे समझिए। देखिए मूलिय त्वचा पर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। आप सोचो
कि इसमें मूलिय त्वचा कहाँ पे है, तो आपने देखा कि देखिए मूलिय त्वचा यहाँ पे है, ये आपकी क्या है बेटा मूलिय त्वचा है, और मूलिय त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं मूल रोग पाए जाते हैं। तो यही पॉइंट आपको लिखना है कि मूलिय त्वचा पर एक कोष के क्या पाया जाता है मूल रोग पाए जाते हैं। ये आपने देखा कि मूल रोग ये है और मूलिय त्वचा इसके ऊपर है, तो आप जल्दी से एक पॉइंट लिख सकते हो कि मूलिय त्वचा पर एक कोष के मूल रोग पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है कि कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स चौड़ा और इनके बीच अंतरा कोशिकीय अवकाश भी उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स की जो हिंदी है वो है बलकोट। अब आप देख सकते हैं जो मैंने बेटा इस प्रकार से ये डिजाइन करा है, ये कुछ इस प्रकार से ये चीज डिजाइन की है, तो आपने देखा इसके अंदर देखिए ये देखिए अंतरा कोशिकीय अवकाश बचा, ये देखिए जगह खाली रह गई, तो इस जगह को हमने क्या कहा अंतराकोशिकीय स्थान यानी इंट्रासेलुलर स्पेस। इस इंट्रासेलुलर स्पेस, तो बेटा आप इसके बारे में लिख सकते हो कि कॉर्टेक्स कैसा होता है चौड़ा होता है, कॉर्टेक्स चौड़ा होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉर्टेक्स कैसा होता है चौड़ा होता है, इनके बीच अंतराकोशिकीय अवकाश भी उपस्थित होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जब आप कुछ इस तरह से इसे डिजाइन करोगे, इस तरह से कुछ डिजाइन करोगे, तो देखिए इसके बीच में जो स्थान रह जाएगा ये खाली स्थान रह जाएगा, ये क्या होगा अंतराकोशिकीय अवकाश बोलते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें थर्ड पॉइंट, देखिए इसमें लिखा है एक बीजपत्री में संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बीजपत्री जड़ की बात हो रही है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेटे एक बीजपत्री जड़, तो एक बीजपत्री जड़ में आपको ध्यान रखना है जो संवहन बंडल है उनकी संख्या 6 से अधिक होती है। आपने देखा ये चीज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 दिखाए गए, तो आपको 6 से अधिक रखना है, संवहन बंडल को 6 से अधिक दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दारू बहिकाएं गोल तथा चौड़ी गुहा वाली होती है, जो दारू बहिकाएं मतलब है जाइलम बहिकाएं गोल, ये देखिए आपकी गोल मिलेंगी तथा चौड़ी गुहा वाली मिलेंगी, इसमें देखिए षटकोणीय नहीं है बल्कि गोल है, आपको गोल मिलेंगी। इसके बाद देखिए एक पॉइंट इसमें छूट रहा है कि पेरिसाइकिल मृदुदुग कोशिकाओं के केवल एक स्तर का बना होता है, यानी जो आपका पेरिसाइकिल है, ये देखिए पेरिसाइकिल है, परिरंभ है, ये मृदुदुग कोशिकाओं की सिर्फ एक लेयर का बना होता है, एक लेयर का, आप कहो अंदर तक पेरिसाइकिल है, अंदर तक नहीं है, जो एंडोडर्मिस है इसके ही किनारे एक लेयर होती है पेरिसाइकिल की, तो बेटा ये पेरिसाइकिल है। यानी एक बीजपत्री हमने जड़ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दो बीजपत्री जड़ को, चलते हैं बेटा आगे की ओर। तो बेटे देखिए अगला है हमारा दो बीजपत्री जड़, क्या है दो बीजपत्री जड़, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डाइकॉट रूट। तो देखिए जो पिछला वाला डायग्राम था वो जड़ थी बेटा मक्का की, किसकी थी मक्का की जड़, अब हम इसमें पढ़ेंगे चने की जड़ के लिए। देखिए डायग्राम जिस प्रकार से मैं बनाऊंगा आप बेटे उस प्रकार से बनाते चलिए इसे। आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा ए टू जेड मैं क्लियर कर दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोग देखना। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है देखिए 8650415957 संपर्क कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप डिजाइन करेंगे। फिर आपको वही तरकीब मैंने बताई कि इस प्रकार से कुछ कर लेना पहले ही, वरना आपका डायग्राम उल्टा सीधा हो सकता है। ये देखिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये TS है, ये बेटा TS आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ये नग्न आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगी, ये देखिए जड़ की TS है। इसको जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो जब आप माइक्रोस्कोप पर जाओगे, माइक्रोस्कोप पर एक स्लाइड मिलेगी आपको, इसकी बेटा स्लाइड तैयार करनी होती है, उस स्लाइड को तैयार करने के बाद माइक्रोस्कोप पे देखना होता है। जब आप इसे माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो बेटा आपको स्लाइड ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। वैसे आप सोचो कि ये हमें इस और इसी प्रकार से अलग से देखने को मिल जाए, इन्हीं नग्न आँखों से देखने को मिल जाए, तो ये बेटा आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको कैसे मिलेगी, माइक्रोस्कोप पे बेटा देखने को मिलेगी ये स्लाइड, प्रैक्टिकली बना के स्लाइड बनाई जाएगी और आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाई जाएगी, तब कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। वैसे आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई
नहीं देगी। देखिए कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। मेरे पास देखिए दूसरा मार्कर नहीं है, वरना आपको कलर समझाता, कलर में बना के डायग्राम तो ए टू जेड आपके समझ में आता। फिलहाल फोकस रखिए मेरी बातों पे, समझने की कोशिश कीजिए। रही नोट्स की बात, तो नोट्स बेटा इसके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप नोट्सों की टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को समझिए ओनली। वीडियो को बेटा समझते हुए चलना है और कुछ नहीं करना। वीडियो को जब समझ जाओगे तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इस तरीके से आपको बनाना है, आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्व रखने वाला ये क्वेश्चन है। तो बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक, तो आप वीडियो को लाइक करिए। देखिए इसमें भी आप कुछ इस तरह से ही भर दीजिए आप, क्योंकि ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स हमेशा गोल होते हैं और बड़े होते हैं। इनके बीच में देखिए गैप पाया जाएगा, ये बेटा अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। आपका ऊपर देखिए निकल गया, ये रूट हेयर है, मूल रोम, उसके जस्ट नीचे क्या है, मूलीय त्वचा, और जो इस समय करेंट टाइम में मैं मार्कर से जिसका यूज कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, ये आपका कॉर्टेक्स है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बलकुट। क्या है? बलकुट। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आज मजा आएगा आपको। एक बीजपत्री जड़, दो बीजपत्री जड़, एक बीजपत्री तना, दो बीजपत्री तना, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसके बाद इसमें अंतर में समझाऊंगा कि इसके अंतर में अंतर क्या है, क्यों इसे दो बीजपत्री जड़ कहते हैं, क्यों एक बीजपत्री जड़ कहते हैं, क्या कारण है। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना आप, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही बना के आओगे दे दनादन, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी कराएगा बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, तो कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लगातार आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बेटे अब आगे तैयार करते हैं इस डायग्राम को। ये देखिए मैंने आपसे कहा था मुझसे ये गोल नहीं होगा और आप इसे गोल बनाओगे, जो हाथ में पहनने वाला कड़ा होता है इससे आप बना सकते हो आराम से इसे। ये चीज गोल होनी चाहिए ना कि चपटी, ठीक है, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब इसमें देखिए कुछ इस तरह से बनाना है आपको षटकोणीय। किस तरह से? इस तरह से आपको बेटा बनाना है षटकोणीय, कुछ ये इस प्रकार से। कैसा? षटकोणीय। आपने एक बीजपत्री जड़ में बनाया था तो गोल करा था, लेकिन हमें इसमें बेटा गोल नहीं करना है, हमें इसमें षटकोणीय बनाना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको बनाते हुए चलना है। मैं आपको बताऊंगा बेटा सब कुछ, फुल जानकारी दूंगा मैं, आप बस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ए टू जेड आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। षटकोणीय कुछ इस टाइप से बनाना है आपको। आप दो से तीन बार डायग्राम को बनाओगे या दो से तीन बार आप इस चीज को देखोगे तो बेटा आराम से आपसे बन जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसे बनाना, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाओगे बेटे, इस प्रकार से कुछ। आपको बताऊंगा क्या है, प्रोटोजाइलम कौन सा है, मेटाजाइलम कौन सा है। इस प्रकार से आपको बनाते हुए चलना है, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से आपको इस प्रकार से कर देना है।
ये आपका प्रोटोजाइलम हो रहा है, ये आपका प्रोटोजाइलम है, ये आपका प्रोटोजाइलम हो जाएगा और मेटाजाइलम आपका बनके तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है समझिए, वो भी समझिए आप। इसमें फ्लोएम आपको दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, फ्लोएम। इस प्रकार से आप फ्लोएम को दिखा सकते हैं। वीडियो को बेटा लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। इस तरह से आप इसे डिजाइन कर दे सकते हैं, इस तरह से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ वीडियो को बेटा बिल्कुल लास्ट तक देखना। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा मैं, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटा वीडियो को लाइक करिए। कुछ इस तरह से आप भी इसका डायग्राम को बना के तैयार कर लोगे। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है इसका। चलिए आपको मैं पूरा बना के दिखाता हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और जानेंगे एक बीजपत्री क्या होता है, दो बीजपत्री क्या होता है, इसके अंतर को हम क्लियर करेंगे, इसके अंतर को हम आसानी से समझने की फिर कोशिश करेंगे। मेरे चैनल पे बेटा फिजिक्स भी कंप्लीट मिलेगा, बॉटनी भी और मैथ, तीनों सब्जेक्ट मेरे चैनल पे कंप्लीट मिलेंगे। आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस प्रकार से आपने देखा, इसे आप मोटा कर दीजिए ताकि आपको दिखाई दे। इसे मैं आपको मोटा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बेटा स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अंदर ढूंढने में कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि क्या है, ब्लैक मार्कर है। अगर यहाँ दो कलर होते तो आपको अच्छे से समझाया जा सकता था। आप भी इसमें कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रेड कलर को छोड़ के, रेड कलर नहीं होना चाहिए, पकाया कोई सा भी आपका कलर इसमें चलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। इस डायग्राम के बाद आपको क्लियर करता हूँ सब कुछ। पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए चने की जड़ की TS है, किसकी, चने की जड़ की। तो इसे अब नॉमेनक्लेचर, चलिए बेटे ये है चने की जड़, अब इसका करते हैं नॉमेनक्लेचर। चलिए बेटे बारिश भी आ चुकी है, कोई बात नहीं, अंधेरा है तो क्या हुआ, करा दे रहा हूँ, फिलहाल इतना अंधेरा नहीं होता होगा, बिल्कुल अंधेरी छा चुकी है क्योंकि मौसम बारिश का है, बरसात भी हो रही है। चलिए देखिए ये आपका हो गया बेटा रूट हेयर, क्या हो गया, रूट हेयर। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में मैंने आपको बताया था मूल रोम, क्या है ये, मूल रोम। और मैंने आपको बताया था कि मूल रोम के जस्ट नीचे क्या है, ये देखिए क्या है आपका, मूल रोम के जस्ट नीचे बताया था मूलिय, मैंने बहा तुचा, मूल्य तुचा, ये तो बताया था, एक सेकेंड में चेक करता हूँ, मूल्य तुचा बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था क्या, मूल्य तुचा। और मूल्य त्वचा की अगर इंग्लिश में बात करूं तो एपी बिल्मा, क्या बताया था मैंने, एपी बिल्मा, ये मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स है, क्या है, कॉर्टेक्स। हिंदी की बात करें तो ये बेटा बलकुट है। इसके बाद मैंने बताया था अंत्यश त्वचा, ये देखिए अंत्यश त्वचा है, जिसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इंग्लिश में बोलेंगे एंडोडर्मिस। इसके बाद मैंने आपको बताया था पेरिसाइकिल, तो ये देखिए पेरिसाइकिल है, यानी परिरंभ, क्या है, परिरंभ। और परिरंभ को हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में पेरिसाइकिल, तो ये देखिए आपका है पेरिसाइकिल। इसके बाद मैंने आपको बताया मेटाजाइलम, तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला ये आपका बेटा है मेटाजाइलम, ये चीज, ये
ये चीजें आप देख रहे हो, ये आपका मेटाजाइलम है। ये इस प्रकार से क्या है, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। अगर हम प्रोटोजाइलम की बात करें तो बेटा सबसे नीचे वाला आपका जस्ट ये देखिए, यहाँ पे इस टाइप से ये देखिए ये दिया है, इसी के जस्ट नीचे चले जाओ तो ये क्या है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाद हम बात करें तो बीच में देखिए ये हो जाएगा बेटा पिथ। पिथ कहाँ होती है, ये बीचों बीच में, पिथ, पी आई टी एच, पिथ। पिथ को बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे मज्जा। क्या है ये, मज्जा है। देखिए माँ आधा जा और पूरा जा, मज्जा। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए ये आपका फ्लोएम है। क्या है, फ्लोएम। तो बेटा ये टीएस है, आपको बता दें ये देखिए द्विबीजपत्री जड़की थी, द्विबीजपत्री जड़की थी और इससे पहले हमने बनाई थी वो एक बीजपत्री जड़की थी। ये है हमारी चने की जड़ और इससे पहले वाली थी मक्का की जड़की। तो इस प्रकार की स्लाइड ये बनेगी। ये देखिए डाइकोट रूट है, द्विबीजपत्री जड़ यानी डाइकोट रूट। ये टीएस है। ये इस प्रकार से डायग्राम आपको कब दिखाई देगा, जैसे ही आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे। प्रैक्टिकल लैब में, लैब में आप चने की जो स्टेम है, तना है, उसको आप बिल्लेट से काटोगे। इसके बाद आपको एक क्या मिलेगी, आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से एक छोटी सी स्लाइड मिलेगी। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो बिलेट ग्रुप है, बिलेट आप चेक करवाने जाते हो तो वो जो निडल से आपका बिलेट निकाल के एक ऐसी स्लाइड होती है पतली, इसके ऊपर बुंदी रखता है। तो इस प्रकार से आप इसे भी काट के चिमटी से इसके ऊपर रखोगे, स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड के ऊपर आप रखोगे तो स्लाइड बनाकर आप तैयार करोगे। इसके बाद इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर देखोगे। जैसे ही माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो बेटा कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये वो है, ये ऐसे आपको दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं इसकी, इसको समझते हैं, इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। चलिए बेटे अब मैं इसे समझाता हूँ। अगर आप देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करोगे तो इसमें देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आप इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं समझिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं देखिए मूलीय त्वचा। क्या है, मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा के ऊपर क्या पाया जाता है, मूल रोम पाया जाता है। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिख सकते हो कि मूलीय त्वचा के ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो बेटा इसमें आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स कैसा है, चौड़ा होता है तथा मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। ये किस कोशिकाओं का बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है और कॉर्टेक्स कैसा होता है, चौड़ा। तो आप फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा देखिए कि मूलीय त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे कि कॉर्टेक्स होता है चौड़ा होता है जो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेटा इसमें थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि पेरिसाइकिल जो होता है, पेरिसाइकिल कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। जो देखिए ये पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल कोशिकाओं के जस्ट, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाला ये है जो, ये देखिए पेरिसाइकिल है। तो आप लिख सकते हो कि पेरिसाइकिल है वो एक स्तर का बना होता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि संवहन जो फूलों की संख्या है वो कितनी होती है, 2 से 6। आपने देखा 1, 2, 3, 4 डायग्राम में 4 दिखाया, तो संवहन फूलों की संख्या कितनी दिखा सकते हो आप, 2 से 6 दिखा सकते हो। नेक्स्ट है देखिए ये जड़ है, इसके केंद्र में कहाँ होता है, केंद्र का मतलब है ये यहाँ पे बीचों बीच में क्या होता है, पित्त पाया जाता है। पित्त को हिंदी में कहते हैं मज्जा। तो आप इस ये लिख सकते हो कि जड़ के केंद्र में पेरेन्काइमल कोशिकाओं से निर्मित क्या पाया जाता है, पित्त पाया जाता है। अगर मैं अगली बात करूँ अगले पॉइंट की तो आप लिख सकते हो इसमें कि दारुवाहिकाएं कोणीय एंगुलर होती हैं। दारुवाहिकाएं की बात करें कोणीय कैसी, देखिए षटकोणीय होती है इस प्रकार से, देखिए गोल नहीं होती। पिछली बार में तो आपने लिखा था इस प्रकार से बनाया ही था, तो ये क्या थी, गोल थी, लेकिन इसमें देखिए एंगुलर यानी कोणीय इस प्रकार से होती है। कुछ षटकोणीय की बात करूँ, षटकोणीय होती है, इसमें 6 भुजा होती है इस प्रकार से। तो आप इसे लिख सकते हो। अब हम दोनों के अंतर को समझेंगे। अब हम समझेंगे बेटे एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर। इसके बाद समझेंगे एक बीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना में अंतर। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अब टॉपिक्स को हम समझते हैं कि एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर। तो आप आराम से समझिए, देखिए ध्यान लगाकर आप समझिए। अगर आपने देखिए चित्र को पढ़ा है तो आराम से यहाँ पे समझ जाओगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो बेटा पहले वाले जो पॉइंट है वो है एक बीजपत्री जड़ के। तो हमारी हेडिंग्स है एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़।
देखिए बेटा बारिश काफ़ी तेज आ चुकी है, ये आवाज़ जो आ रही है वो पानी की आ रही है। तो देखिए टॉपिक्स तो मुझे कंप्लीट कराना है, इसलिए मैं वीडियो को बीच में स्क्रैप नहीं कर सकता, बीच में नहीं रोक सकता, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बीजपत्री जड़, पहले पॉइंट है एक बीजपत्री जड़ के और दूसरा पॉइंट है हमारा दो बीजपत्री जड़ का। तो समझिए आप एक बीजपत्री जड़ में देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा रटा हुआ है, हमारा समझा हुआ है कि इसमें कार्टैक्स की मात्रा कम होती है, जो कार्टैक्स को हिंदी में बोलते हैं बलकुट, इसमें बलकुट की मात्रा क्या होती है, कम होती है एक बीजपत्री में। अगर हम दो बीजपत्री की बात करें तो इसमें कार्टैक्स की मात्रा अधिक होती है, यानी जो बलकुट है उसकी मात्रा किसमें द्विबीजपत्री में अधिक होती है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, जो एक बीजपत्री जड़ है उसमें संवहन बंडल की, मैंने आपको संवहन बंडल के बारे में भी बताया था। देखिए एक बीजपत्री में संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है, 6 से कभी भी कम नहीं होगी, 6 से अधिक होगी। तो संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है, 6 से अधिक होती है एक बीजपत्री में। और अगर हम दो बीजपत्री जड़ की बात करें तो इसमें बेटा आपको बताना है कि संवहन बंडल की संख्या 2 से 6 तक होती है। अगला पॉइंट देखिए एक बीजपत्री में क्या होता है, पित्त विकसित होता है, जो मैंने आपको पित्त बताया था, पित्त की हिंदी बताई थी मज्जा, मज्जा क्या है विकसित होती है, पित्त विकसित होती है। लेकिन क्या दो बीजपत्री में पित्त विकसित होती है, नहीं, दो बीजपत्री में पित्त होती है वो विकसित नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, अल्प विकसित होती है या अब्सेंट होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो एक बीजपत्री में देखिए अगला पॉइंट है हमारा वो है जाइलम बहिकाएँ गोलाकार होती हैं, मैंने उस समय भी आपको डायग्राम में दिखाया था कि जाइलम बहिकाएँ कैसी दिखाई थी, गोलाकार, बिल्कुल गोल होती हैं, या अंडाकार कह सकते हो, गोलाकार और अंडाकार दोनों चलेगी आपकी, गोलाकार होती है जाइलम बहिकाएँ। अगर मैं द्विबीजपत्री जड़ की बात करूं तो जाइलम बहिकाएँ कैसी होती हैं, बहुभुजी होती हैं, बहुभुजी को आप षटकोणीय भी बोल सकते हो, देखिए इस प्रकार से होती हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बना के भी दिखाया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह भुजा वाली षटकोणीय, ठीक है। तो ये था एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़। अब हम आगे जानेंगे एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना में अंतर। तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं करा आप, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे आगे समझते हैं एक बीजपत्री तना और दो बीजपत्री तना। तो देखिए पहले वाला जो पॉइंट है ये बेटा एक बीजपत्री तने के हैं, एक बीजपत्री तना, और सेकंड वाले जो पॉइंट है दूसरे नंबर पे ये द्विबीजपत्री तने के हैं। तो एक बीजपत्री तना और दो बीजपत्री तना के बारे में भी बेटा हम आराम से समझेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है एक बीजपत्री तना की बात करूँ तो संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं, जो संवहन बंडल होते हैं वो बेटे भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं, ये बात आपको बतानी है एक बीजपत्री तने के अंदर संवहन बंडल किसमें, संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। द्विबीजपत्री तने की बात करें तो संवहन बंडल एक घेरे में व्यवस्थित रहते हैं, ये पॉइंट चेंज है, बकाया सारे सेम है, पिछले वाले एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ के अधीन देखें तब। देखिए संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है, तो आपने एक बीजपत्री जड़ जो पढ़ा था उसमें भी आपने ये पॉइंट पढ़ा था कि संवहन बंडल है उसकी संख्या 6 से अधिक होती है, तो ये तो पॉइंट आपको कॉमन मिल गया उस टॉपिक से, पिछले वाले टॉपिक से। द्विबीजपत्री की बात करें तो जाइलम बहिकाएँ बहुभुजी रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। एक सेकेंड रुकिए, इसमें संवहन बंडल बताना था तो एक मिनट रुक जाइए आप। चलिए बेटे ये पॉइंट से देखिए सेकेंड, पिछला वाला पॉइंट मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि ये पिछले वाले जो था एक बीजपत्री जड़ था, दो बीजपत्री जड़ था उसका आ गया था। देखिए सेकेंड पॉइंट है इसमें जाइलम बहिकाएँ गोलाकार, यानी जाइलम बहिकाएँ कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, इस तरह से आप अंडाकार भी पढ़ सकते हो, गोलाकार भी बोल सकते हो इसे, गोलाकार कैसे, बी या वाई के क्रम में व्यवस्थित होती हैं, 22 नंबर वाली बी है या वाई के क्रम में व्यवस्थित होती हैं। लेकिन इसमें कैसी होती हैं, जाइलम बहिकाएँ बहुभुजीय रेखीय क्रम में होती हैं, बहुभुजीय का मतलब है इस तरह से षटकोणीय बोल सकते हो आप, इस तरह से बहुभुजीय होती हैं, जाइलम बहिकाएँ कैसी होती हैं, इसमें बहुभुजीय होती हैं। अगला पॉइंट है देखिए थर्ड, जो पित्त है वो विकसित होता है, पित्त को हिंदी में कहते हैं मज्जा, मज्जा इसमें विकसित होता है एक बीजपत्री तना में। अगर हम द्विबीजपत्री की तने की बात करें तो देखिए इसमें केंद्र में स्थित स्पष्ट, यानी बीचों बीच, केंद्र का मतलब है बीचों बीच में, सेंट्रल में, केंद्र में स्थित स्पष्ट पेरेंकाइमा में पित्त उपस्थित होती है। नेक्स्ट है एधा का अभाव होता है, किसमें, एक बीजपत्री तना में क्या होता है, एधा का अभाव होता है। एधा को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एधा को इंग्लिश में कहते हैं कैम्बियम, क्या बोलते हैं, कैम्बियम। कैम्बियम को किस प्रकार से लिखोगे, कैम्बियम, कैम्बियम का क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक बीजपत्री तने के अंदर क्या होता है, अभाव होता है, नहीं पाया जाता, सीधे सीधे कमी होती है, अभाव का मतलब है कमी होती है।
द्विबीजपत्री तने की बात करें तो देखिए एधा पाई जाती है, यानी एधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होती है, प्रजेंट होती है। तो बेटा ये था आज का टॉपिक, चलिए महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए बेटे आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के साथ यूनिट नंबर 2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 2 के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आज कंप्लीट आपको करा दिए। अब हमारी कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई बेटा, बॉटनी की बात कर रहा हूँ, देखिए बॉटनी में यूनिट नंबर हो गई, यूनिट नंबर आपकी 2 कंप्लीट हुई, 3 कंप्लीट हुई, 4 आपकी कंप्लीट हुई और 5 आपकी कंप्लीट हो गई। चारों यूनिट बेटा हमने 35 नंबर की पढ़ चुके हैं, 35 मार्क्स की हम बॉटनी पढ़ चुके हैं, 15 मार्क्स की एक यूनिट रह गई फर्स्ट। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक मुझसे जुड़े रहिए, आपको ए टू जेड आपकी बॉटनी कंप्लीट करा दूंगा। तो बस बेटा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।